आत्मास्थितः सर्वगतः समस्तौ व्यापार वेदी विवृत संगः प्रवृद्ध कालोप्य जरोवरेण्यः पायात् पायात् पुरुषः पुराणः परैरचिन्त्यं युद्धार्मेकः स्तोतं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योदमे सौ वृषभो न भानोः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः तत्याज शक्रः शक्नाभिमानम् नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थम् वातायनेन निरूपयामि तं विश्वद्रष्ट्वा सकलैरदृश्य विद्वान् शेषं निखिलैर्वेद्यः वक्तुं कियान् कीदृशेत्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्ति कथा तवास्तु व्यापीडितं बाल्मेवात्मदोषै रुल्लाघतान् लोक्मवापिपस्त्वम् हिताहितान्वेषण मान्द्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसिपालवैद्यः दाता न हर्ता दिवसं विवस्वा नद्यश्वेत्यच्युतदर्शिता सह सत्याजमेवं गम्यत्यशक्तः क्षणेन तत्सिद्धिमतन्नताय कल अपन ने छठे काव्य को देखा था जिसमें भगवान को अच्युत जो अपने स्वभाव में स्थिर रहते हैं विवस्वान न दाता न हरता सूर्य न कुछ देता है न कुछ हरण करता है अद्य श्व अद्य यानी होता है आज श्व यानी कल इति दर्शितासा असक्तासन इस प्रकार से दिशाएं या आशा जगा करके कि कल मिलेगा आज मिलेगा ऐसा करके क्योंकि देने में असमर्थ है और आप लेकिन उसके पहले क्या है
एवं सव्याजम दिलसम गमयति, इस प्रकार से छल के साथ में दिन को निकालता रहता है। लेकिन आप कैसे हैं? नताय क्षणेन अभिमतम दत्से, जो आपके चरणों में नमन करता है उसको क्षण भर में अभिमत फल की प्राप्ति हो जाती है आपके द्वारा। तो भगवान का स्वरूप और जो मिथ्या अंधकार फैला हुआ है उसके स्वरूप के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। कल एक प्रसंग जो बताने का रह गया था उसमें प्रसंग है ज्ञानमती माता जी के गृहस्थ जीवन का। ज्ञानमती माता जी का घर का नाम मालूम है किसी को? मैना नाम था उनका, और वो यू उत्तर प्रदेश में टिकेत नगर वहां की रहने वाली, बाराबंकी जिले में टिकेत नगर की। उन्होंने आचार्य देशभूषण जी महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत को लिया था, और महाराज जी का तो बिहार हो गया, वो अपने घर पर ही थी। तो उस समय उनके भाइयों के लिए, दो भाइयों के लिए माता का रोग हुआ, चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं। अब मान्यताएं चलती रहती हैं कि नीम की पूजा करो, कोई देवी की पूजा करो, उससे ठीक हो जाता है, और साथ ही साथ में किसी और भी जैन परिवार में किसी के लिए भी वो माता का रोग हुआ था। तो जब इनसे कहा तो उन्होंने कह दिया कि हम तो सच्चे देव साधु के उपासक हैं, हम यहाँ वहाँ नहीं जाते। तो वो जो अजैन जो जैनी थे उन्होंने वहाँ पर जाकर के आराधना की और कहा कि देखो यहाँ तो जो है भाई मरे जा रहे हैं और इनको पड़ी हुई है कि हम जो है दर्द किसी को नहीं पूछते हैं। तो जब ये शब्द उनके कानों में पड़े तो उनको बड़ी पीड़ा हुई, और उस समय में भगवान के पास में आकर के उन्होंने रुदन भी किया, वो कि देखो सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं, उसके बाद में भी लोग ऐसा बोल रहे हैं। और उन्होंने वहाँ पर स्तोत्र आदि का पाठ किया, और उस समय में उनको ऐसा लगा कि हम तो भगवान की आस्था को छोड़ करके इधर उधर नहीं होंगे, और गंधोदक भगवान के अभिषेक का ले जा करके भाइयों को लगाएंगे। और थोड़े दिनों में इनके दोनों भाई स्वस्थ हो गए, और जो इधर उधर भटके थे वो समय में मरण को प्राप्त हो गए। तो उसमें अपनी आराधना से वो मरण को प्राप्त नहीं हुए थे, वो अपनी ही अज्ञानता के कारण में मरण को प्राप्त हुए थे। लेकिन ऐसी भी स्थितियां बनती हैं। तो यहाँ पर जो कहा गया है इसी प्रकार की सेम कंडीशन जो टीकमगढ़ के पंडित जी थे गुलाबचंद जी पुष्प, उनका ककरवाहा एक गांव है पास में वहां पर, और वो वहां के रहने वाले थे। उस समय उनके बड़े लड़के के लिए माता का बहुत तीव्र प्रकोप था, आंखें बंद हो गई थी और घुटने जो हैं छाती से लग गए थे, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो आस पड़ोस के लोगों ने बोला तो पुत्र व्यामोह में पंडितानी जो थी वो तैयार हो गई कि कल हम आपको सामग्री दे देंगे, आप लोग कर लेना वहाँ पे। तो पंडित जी उस समय में आए और उन्होंने कहा कि हमने ऐसा ऐसा सोचा है, अब इसकी तबीयत तो खराब हो रही है, ठीक नहीं हो रहा है। तो पंडित जी ने कहा कि कल मरे उसकी जगह पे आज मर जाए, लेकिन हम अपने भगवान की आस्था को नहीं छोड़ेंगे। क्रोध में सब बोल दिए, फिर बाद में समझाते हुए बोला कि यही जो है क्षण हमारी परीक्षा के हैं, यदि इस समय में हमने अपने भगवान की आस्था को छोड़ दिया फिर जीवन भर हम अपनी उस आस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें अपने भगवान पर आस्था रखनी चाहिए और अभिषेक का जो है जल लगा करके और उसके माध्यम से। तो धीरे धीरे वो सब ठीक हो गया। तो ऐसी स्थिति बनती है कभी कभी, लेकिन भगवान की आस्था को कभी भी छोड़ने की मन में स्वप्न में भी कभी ऐसे भाव नहीं आना चाहिए। जिन देव शास्त्र गुरु का सानिध्य हमको बड़े भाग्य से मिला है उनके लिए कि मांग ऐसी करना है कि जिनेर भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु भवे भवे भवों में। भगवान आपका नाता जो है कई भवों से नाता है और कई भवों तक मुक्ति तक आपसे ही नाता रहे, ऐसी भावना रखते हुए भगवान की आराधना करना चाहिए। अब चलिए साध्य काव्य पर। उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानित, हाँ यहाँ पे नी है और आगे आ रहा है आधा ता आधा वा और आ, तो वहां पर जो है स्वराघात होगा, तो उसमें नित पढ़ेंगे अपन उसको। उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानित,
सुहावात विमुखश्च दुःखम्, त्वयि सुहावात विमुखश्च दुःखम्। हाँ, त्वयि में भी जो है ई छोटा है और आगे आधा सा आ रहा है, तो वहां पे भी इसको मिला करके स्वराघात की प्रक्रिया वहां पर भी होगी। त्वयि सुहावात विमुखश्च दुःखम्, सदा वदा तद्युतिरेक रूपस्, तयोस्त्वमादर्श इवावभासी। उपैति भक्त्या सुख सुखानित, त्वयि स्वभावात् विमुखश्च दुःखम्, सदा वदा तद्युतिरेक रूपस्। यहाँ पर भी सुराघात होगा, ता के बाद में त्या रहा है, तो ता में दा को मिलाना है और बाद में फिर द्युति फिर पढ़ना है। सदा वदा तद्युतिरेक रूपस्, तयोस्त्वमादर्श इवावभासी। उपैति भक्त्या सुख सुखानित, त्वयि स्वभावात् विमुखश्च दुःखम्, सदा वदा तद्युतिरेक रूपस्, तयोस्त्वमादर्श इवावभासी। पढ़िए, हाँ, कभी धनंजय भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, त्वयि सुमुखा भक्त्या सुखानी उपैति, आपकी जो सुमुख है यानी आपको जो निहारता है वो भक्ति के माध्यम से सुख को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भगवान के बताए हुए मार्ग पर जो चलता है वो सुख को प्राप्त करता है, जो सम्यक दृष्टि होता है वो सुखों को प्राप्त करता है। आपने देखा होगा सम्यक दृष्टि ही स्वर्ग के इंद्रादि पदों को प्राप्त करता है, चक्रवर्ती पद को प्राप्त करता है और कहां तीर्थंकर पद को भी सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है। तो यहाँ उसी बात को कि भगवान की जो भक्ति करता है वो सम्यक दृष्टि होता है, वो सुखों को प्राप्त करता है। विमुखा स्वभावा दुखम उपैति, जो आपसे विमुख है वो स्वभाव से ही दुखों को प्राप्त करता है। जो भगवान को नहीं निहारता, भगवान को जो पीठ दिखाता है, भगवान की आराधना नहीं करता, वो दुखों को प्राप्त करता है। मिथ्या दृष्टि नरक निगोद को प्राप्त करता है तो उसमें दुखों को प्राप्त करता है। ये विमुख के लिए हो गया। त्वम तयोः आदर्श एव, आप दोनों के प्रति आदर्श के समान, मुकुर एवने दर्पण के समान, अवदात द्युति निर्मल द्युति वाले, एक रूप अवभासी, इन्हें एक रूप में वहां पर शोभायमान होते हैं। कोई आपको नमन करे, कोई आपको पीठ दिखाए, उससे आपको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ना पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे, न निंदया नाथ विवान्तवै। आचार्य सामंत भद्र स्वामी ने वासुपूज्य भगवान की स्तुति करते हुए लिखा कि भगवान आप को कोई पूजा से भी प्रयोजन नहीं है और ना कोई निंदा से कोई प्रयोजन है। आप वीतराग हैं, आप इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए दोनों में आप समान भाव से युक्त रहते हैं। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि आप दर्पण के समान
निर्मल द्युति वाले एक रूप में शोभायमान होते हैं। यहाँ पर दर्पण की बात कही है तो यहाँ पर दर्पण जैसे देखने वाला है, दर्पण को जो देखता है वो अपने मुख पर काली खादी लगी हो तो उसको धो सकता है, अपना स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, अच्छे स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो दर्पण की ओर ना देखे, दर्पण की ओर पीठ किए हुए हो, उसके लिए कोई भी उपलब्धि हो नहीं सकती। लेकिन दर्पण क्या है? दर्पण दोनों के लिए समान रूप में, वहां पर दर्पण ये मेरे लिए पीठ दिखा रहा है ऐसा उसके प्रति कोई भी वहां पर परिवर्तन नहीं आता। तो जो भगवान की भक्ति करता है वो शुभ कर्मों को बांध करके अशुभ कर्मों की निद्रा से स्वयं सुखी होता है, और जो भगवान के विषय में विमुख रहता है, उनको पूज्य नहीं समझता ना उनकी भक्ति करता है, वह अशुभ कर्मों का बंद करके दुख को प्राप्त करता है। तो उसके सुख दुख में भगवान कारण नहीं है, स्वयं उसकी ही रुचि, उसी की ही दृष्टि, सुख के लिए भी उसी की दृष्टि कारण है, और जिसने पीट दी है वो स्वयं ही दुख के लिए उसके लिए कारण है। आप तो हमेशा दोनों के लिए राग द्वेष से रहित चैतन्य चमत्कार एक रूप में ही अवस्थित रहते हैं, शोभायमान रहते हैं। अब यहां भगवान को देखते हैं, भगवान को देखने से जैसे कि कहा जाता है कि किसी की छतरी देख करके अपनी छतरी की याद आ जाती होता कि नहीं होता ऐसा? बाजार में आपने कई बार देखा होगा अपनी बैग जो है, सामने वाले का बैग देख करके, करिए अपना बैग कहाँ गया, अपनी कोई भी चीज हो उसको दूसरे की चीज को देख करके अपनी चीज याद आ जाती है। ऐसे ही भगवान की मुद्रा को देख करके अपने भगवान आत्मा की भी याद आनी चाहिए, और जिन्होंने दर्शन किए हैं उनको वहां पर ऐसा ही लगता है कि जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही मुझे भी उस स्वरूप को प्राप्त करना है, तो अपनी भगवान आत्मा की दृष्टि उसके माध्यम से जाती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो भगवान आपके सुमुख होता है, जो आपकी ओर मुख करता है, वो सुख को प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान की मुद्रा ही बता रही है कि अपने अंदर झांको और अपने अंदर ही भगवान आत्मा को प्राप्त कर सकते हो। बाकी सारे संसार के प्राणी बाहर बाहर झांक रहे हैं, बाहर ही बाहर डोल रहे हैं, इसलिए वो जो है आत्म सुख को, भगवान आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अब यहाँ सुख के कई प्रकार के भेद आप लोगों ने सुने होंगे। एक होता है इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख जिसको कि सुखाभास भी कहा जाता है। उसको सुखाभास इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें सुख का आभास होता है, वास्तव में तो वहां पर उसकी वेदना का प्रतिकार होता है, जो अपने लिए पीड़ा है वो दूर हो जाती है, तो उसमें अपने को सुख की अनुभूति होती है, वास्तव में वहां पर कोई सुख नहीं होता। जैसे किसी को रोग हो गया है और रोग होने के बाद में जब उसको दवाई दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है, तो उसका जब रोग शमित हो जाता है, जैसे बुखार जो है बहुत 105 चढ़ गया हो और उस समय में जब बुखार उतर जाता है तो कैसे बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या अच्छा लग रहा है, मतलब जो पीड़ा थी वो पीड़ा दूर हो गई। इसी प्रकार से सारे जो इंद्रियों के विषय रहते हैं, वहाँ पर इंद्रियाँ अपने जो है मन में उसके प्रति जो पीड़ा के भाव हैं उनकी पूर्ति हो जाने पर वो पीड़ा दूर हो जाती है, इसलिए उसमें ऐसा लगता है कि ये सुख है, वास्तव में वो सुख नहीं है। और इसीलिए उसके लिए क्या कहा है कि कच्छु कंडुयन वत, यानी जैसे दांत खाज को खुजलाने में एक मीठी मीठी सी जो है अनुभूति होती है, होती नहीं, खाज दांत खाज हो जाए कहीं पर या कोई फोड़ा भी हो जाए, फोड़ा जब सूखने लगता है उसके ऊपर पपड़ी आती है तो जरा आसपास में एक अच्छा लगता है, हाथ भी फहराओ उसके ऊपर तो बहुत अच्छी अनुभूति सी लगती है। तो बस ऐसा ही सुख इनके बारे में आचार्यों ने सर्वार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने भी ये लिखा है कि ये इंद्रिय सुख तो कैसे हैं, कच्छु कंडुयन वत, वेदना प्रतिकारत्वा, वेदना का प्रतिकार होने से ये दांत खाज खुजलाने के समान है। और इसमें सुखावास इसलिए भी कि जो हमने मान रखा है ये अच्छा है, कोई हमें वासना मात्र विवेदत वाली बात है कि हमने जिसको अच्छा मान रखा है वो हम उसको अच्छा मान लेते, वही चीज किसी के लिए खराब हो जाती है। आप लोगों ने वो उदाहरण भी सुना होगा, अक्सर दिया जाता है कि दो जो है सहेलियां थी, एक मालिन और एक मछुआरिन,
और ऐसा हुआ कि मछुआरे जो नदी के पार रहती थी और यहाँ पर नगर में मछली बेचने के लिए आती थी, मालिन से उसकी सहेली मतलब फ्रेंडशिप की सहेली थी, तो वो हमेशा कहती थी कि तुम हमारे पास आओ, रुको कभी। और वो जो है कभी रुकती नहीं थी, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि नदी चढ़ गई, वो वापस लौट नहीं पाई, तो अब मजबूरी में उसको अपनी सहेली के पास जाना पड़ा। तो सहेली बहुत प्रसन्न हुई कि चलो इसी बहाने से ही आए तो आप। और उस समय कि अब नदी चढ़ी हुई है, रुकने का उतरने का कोई पक्का नहीं, कब उतरेगी, तो रात में ही विश्राम करो। तो सोचा कि हमारी जो सहेली पहली बार हमारे घर में रुक रही है, तो उसके लिए मालिन थी तो बहुत सारे फूल थे उसके पास में, तो उसकी सेज जो है उसने फूलों से तैयार कर, और उसको जब सोने का समय आया तो कहा कि इस पर तुम विश्राम करो। अब वो उस समय तो सोच करके कि चलो अच्छा है, हमारी इतनी आवागत हो रही है, और उस पर वो विश्राम करने लगी, लेकिन वो जो फूलों की खुशबू जो है उसके लिए नींद में व्यवधान उत्पन्न कर रही थी, क्योंकि उसकी आदत ही नहीं थी उसको। बहुत देर तक उसने कोशिश की लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। फिर बाद में उसने सोचा कि ऐसी तो नहीं, जो अपन जैसे घर में सोते हैं वैसा ही माहौल बनाएंगे तब नींद आएगी, हो जाती, कई लोगों को आदत पड़ जाती है जैसे माहौल में रहते हैं। सुन करके कभी कभी तो हंसी भी आती है। एक बार जो है कुछ बच्चों को जो है दोपहर में सोने के लिए चक्की, जिनके घर में थी चक्की चलती है जब, तो उसकी आवाज़ में सोने की आदत पड़ गई थी। तो जब वो अपनी नाना के यहाँ जाते थे तो नाना एक कमरा चक्की के पास में किराए से लेते थे बच्चों को सोने के लिए, वहाँ पर जाना पड़ता। हंसी आ रही है आपको? लेकिन नहीं, रियल फैक्ट है ये। आदत जैसी पड़ जाए, जैसे महाराज जी सुना रहे थे कि पंखा जो है चलता रहता है, भले ही उसके लिए हवा से कोई प्रयोजन नहीं, ठंड से कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन वो आवाज़ की आदत बन चुकी है, उसके एडिक्ट हो चुके हैं। जब तक वो आवाज़ नहीं आएगी, लाइट चली जाएगी, ठंडक भी होगी तो नींद नहीं आएगी, पंखा चलना चाहिए। तो ऐसी जो है आदत के शिकार हो जाते हैं, फिर वो हमारे लिए जो एक आदत बन जाती है वो अच्छा लगने लगता है। तो ऐसी स्थिति होती है, और आदत तो ऐसी होती है कि जो एक बार लग जाए तो छूटती नहीं। एक बार सुना था एक शब्द के व्याख्यान के बारे में, हैबिट जो होती है उसको आदत बोलते हैं। हैबिट में से एच को कट कर दो तो एबिट बनता है, एबिट भी यानी कुछ होता है। एबिट में से ए को हटा दो तो बिट बचता है, बिट भी कुछ होता है। और बिट में से बी हटा दो तो इट बचता है, तो इट भी यानी ये होता है। और इट में से भी आई हटा दो तो टी बचता है, और टी चाय की आदत तो सब लोग जानते हैं। तो ऐसी जो है हैबिट शब्द में छुपा हुआ है। तो आदत पड़ जाती है, केवल उसका जो है सुखाभास जैसा लगता है, वास्तव में कोई सुख नहीं। तो ऐसा जो है इंद्रिय सुख होता है। फिर एक होता है सहज सुख। सम्यक दृष्टि जीव के लिए चौथे गुणस्थान से ये प्रारंभ होता है, उसमें जिसके लिए अपनी आत्मा परमात्मा है, आत्मा में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है, ये जब तक विश्वास नहीं होता तब तक उसके लिए वो जो है सहज सुख की प्राप्ति नहीं होती। जिसको भी सिद्धांत होता है, भगवान देव शास्त्र गुरु पे सिद्धांत कह लो, चाहे सात तत्वों पर सिद्धांत कह लो, चाहे आत्मा की रुचि कह लो, चाहे भेद विज्ञान कह लो, सब में जहाँ पर बात आएगी उस आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, ये जहाँ पर एहसास होता है उस समय में सहज सुख की एक अनुभूति उनके लिए होने लगती। तो वो सुख जो है सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त करता है। तो ऐसे सुख को भगवान के दर्शन के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं, उसी बात को यहाँ पर कहा गया है। फिर एक होता है अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख जो होता है वो निर्विकल्प समाधिस्थ मुनिराज प्राप्त करते हैं, जिसको शुद्धोपयोग का सुख कहते हैं। वो सुख जो अतीन्द्रिय होता है उनके जो है प्राप्त करने वाले मुनिराज होते हैं। तो सहज सुख के बारे में एक बार इतना भी एहसास हो जाए, आप लोगों ने वो भी एक उदाहरण सुना होगा कि मुनिराज ध्यान में बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, और श्रावक जा रहे थे, कह रहे थे हम जा रहे हैं समुद्र में, तो उन्होंने भैया पूछ लेना वहां पर गणधर स्वामी से कि हमारे कितने भव बच्चे हैं अभी। और उस समय में वो केले के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, और जब वहां पर पहुंचे वो, तो उस समय में मुनिराज वहां से उठ करके इमली के वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो उन्होंने कह दिया जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं उतने भव उनके अभी बाकी हैं। तो वो आकर के देखते हैं और कहते हैं अरे बाप रे, ये तो जो है आज इमली के नीचे बैठ गए हैं। वो तो जो है उन्होंने बोला कि इसमें, क्योंकि इमली के पत्ते बहुत ज्यादा होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा एक पत्ते में भी जो है
दस दस बारह बारह पत्ते हो जाते हैं उसके। तो उस समय में जब उनको बताया तो उस समय में उन्होंने उनको हर्ष की अनुभूति होने लगी, हमने तो बताया आपके इतने भाव बाकी और आप हर्षित हो रहे हैं। अरे कहले इतना तो पता पड़ गया कि मैं भव्य हूँ, इतने भाव के बाद में सही कम से कम मुक्ति तो मुझे प्राप्त तो होगी, इसलिए हर्ष की अनुभूति हो रही, वो सहज सुख की प्राप्ति उनके लिए उस समय में होने लगी। क्योंकि ये विश्वास नहीं कि भव्य के नहीं अभव्य के नहीं इस बारे में। और एक महाराज जो केले के वृक्ष के नीचे बैठ गए थे उनको बताया कि आप कितने भव इतने भव बचे हैं, वो गुस्सा होने लगे, मैं कितनी साधना कर रहा हूँ, मैं तो सोच रहा था इसी भव से मुक्ति को प्राप्त करूंगा, अभी मुझे और भी भव धारण करना पड़ेंगे। तो उनको वहां पर उसके ऊपर जो है विश्वास नहीं हो रहा, उस समय में उनकी उसके प्रति ऐसी दृष्टि भी चली गई। तो ऐसा जो है सुख के बारे में जो सहज सुख कहलाता है, और अनंत सुख के धारी जो है अनंत अरहंत परमेष्ठी होते हैं, और एक अव्यावाद सुख होता है वो सिद्ध परमेष्ठी में होता है। ऐसे पांच प्रकार के सुख होते हैं। इन्हीं के साथ साथ में भगवान के बताए हुए मार्ग पर जो चलते हैं वो सुखी रहते हैं, और भगवान के विपरीत मार्ग पर चलते हैं वो स्वभाव से दुखी होते हैं। कर्तत्व बुद्धि आदि के बारे में पहले आप लोगों के लिए बताया था, कर्तत्व बुद्धि जो बुद्धि रहती है उसमें ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, पूरे परिवार को मैं चलाता हूँ, ऐसी धारणा भी लोगों की कर्तत्व बुद्धि के कारण में हो जाती है। कर्तत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये बुद्धियाँ मिथ्यात्व की ही जनक हैं। यदि ये बुद्धियाँ हैं तब तक वहाँ पर सम्यक का दर्शन नहीं हो सकता। परिवार में अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम ही हम सब कुछ करते हैं, हम खूब कमा कमा करके रह जाते हैं और ये सब लोग उड़ाते रहते हैं, ऐसी जो है धारणा हो जाती है। पुराना एक उदाहरण है कि एक परिवार में चार बेटे थे, और बड़ा बेटा अपनी पत्नी से बात कर रहा था कि अपन बहुत मेहनत करते हैं और सबको जो है खर्च हो जाता है, बचा नहीं पाते हैं, आगे बच्चे बड़े होंगे उनका भविष्य देखना है तो अपन लोग अलग हो जाते हैं। उसी समय में जब कमरे में उनकी चर्चा चल रही थी तो वहीं से उनके पिताजी निकल रहे थे, और उन्होंने सुन लिया तो उन्होंने अपने लड़के को बुलाया कि अभी आकर के कहेगा कि हमको अलग होना है, इससे हम पहले उसको बुला लें। और तो उस समय में जब पिता के पास गया तो पिताजी आपने बुलवाया, कहले हाँ तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं नहीं पिताजी आपने बुलवाया तो आप ही कुछ कहना चाहते होंगे। कहले हाँ हमने ये सब सोचा है कि अपन लोग तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है पिताजी तीर्थ यात्रा पर चलते हैं, फिर बाद में बात कर लेंगे। और वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। पुराना जमाना था, बैलगाड़ी के माध्यम से ही उनकी यात्रा प्रारंभ हुई, और जाकर के शाम के समय में कहीं पर हाल्ट हुआ, रात नहीं रुकना है, सुबह भोजन आदि करके फिर वहां से आगे बढ़ना रहता था। तो एक दिन जो है उन्होंने बड़े लड़के को, पहले दिन जो है बड़े लड़के को जिम्मेदारी दी, 10 रुपये पिताजी ने उसके लिए दिए, पुराना जमाना था, 10 रुपये में तुम्हें सारी भोजन सामग्री लेकर के आना है। और वो जाकर के सोचता है कि अब 10 रुपये में सामग्री लेंगे, उसमें कुछ व्यापार किया जाए, थोड़ा बहुत पैसे को पढ़ाया जाए, अपना पड़ोस दिखाया जाए कि मेरे पास कैसी कला है, तो उसके माध्यम से वो व्यापार करता है, 10 रुपये का जो है सामान खरीद करके और फिर 11 रुपये में बेचता है, सोचता है 10% तो हमने उसको बढ़ोतरी कर दी है। अब वो 11 रुपये का सामग्री लेकर के आता है, उसके माध्यम से सब लोगों का भोजन होता है और वहाँ से दूसरी जगह के लिए प्रस्थान हो जाता है। दूसरी जगह पहुँचते हैं, वहाँ पर पहुँचने के बाद में अब दूसरे नंबर के लड़के का जो है काम था, तो उन्होंने उस लड़के के लिए पिताजी ने 10 रुपये दिए कि तुमको सामग्री लेकर के आना है। अब वो गया, लेकिन वो थोड़ा संगति में बिगड़ गया था, उसको जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी, और जब वो वहाँ बाजार में गया तो वहाँ पर जुआ जो है चल रहा था, तो जगह होते हैं पत्ते खोलो ये बोलो इसमें इतने पैसे मिलेंगे, 5 1 के 5 ऐसे कुछ आवाज़ भी आ रही थी उसको, तो उसने सोचा कि चलो कोशिश करके देखते हैं। तो वहाँ पर उसने जो है लगाए तो वहाँ पर उसके लिए 10 के जो है 20 हो गए, और 20 के बाद में ही उसका लगाने का मन हो रहा था क्योंकि एक बार ऐसी लग जाए आदत तो वहाँ पर वो, लेकिन उसी समय में एक छोटा सा बच्चा जो है वहाँ पर रोते हुए उसके सामने से निकला
और उसको जो है अपने भतीजों की याद आ गई कि अरे भैया कहीं ऐसा ना हो, जुए का तो कोई भरोसा नहीं है, पैसा चले गए तो फिर जो है गड़बड़ हो जाएगी, सब बच्चे वहाँ पर भतीजे रोते मिलेंगे, अपने लिए कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो उसने सोचा कि नहीं नहीं बस इतना ही बहुत है, 10 के 20 हो गए, इतना ही पर्याप्त है। तो 20 रुपए की सामग्री लेकर के पहुंचा, 11 रुपए की सामग्री से 20 रुपए की सामग्री तो स्वाभाविक रूप से और अच्छी रहेगी। तो उस समय में जो बड़ा व्यक्ति रहता है, जो कर्तृत्व बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति रहता है, वो उसकी दृष्टि जो है दूसरों पर खूब बनी रहती है, कौन क्या कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, क्योंकि उस समय में जो है ये बुद्धियां ऐसी रहती हैं कि व्यक्ति के लिए बिल्कुल जो है शांति से नहीं रहने देती। यानी बुद्धियों से जब कोई व्यक्ति रहित होता है तो बिल्कुल शांत रहता है। तो उस समय में उसने जो है देख ही रहा था कि अरे ये तो जो है, मैं सोच रहा था मैं तो 11 रुपए का सामान लेके आया था, इसका सामान देख करके तो लगता है कि ये तो जो है और मतलब पुरुषार्थशाली है, ये तो इतने पैसे का सामान लेकर के आया। फिर तीसरे दिन जाकर के जहां पर रुकना हुआ तो तीसरे बेटे के लिए 10 रुपए दिए गए, और वो जो है उनका बेटा था उसकी आंखें नहीं थी, तो उसकी पत्नी उसका जो है सहारा करती थी, वो पत्नी के सहारे सारा कार्य करता था। तो पत्नी को लेकर के वो सामान खरीदने के लिए जा रहा था और रास्ते में उसको ठोकर लगी। तो ठोकर लगने पर उसने कहा कि ये रास्ते में जो कुछ पत्थर कोई भी निकलता होगा उसको परेशानी होती होगी, इसको यहाँ से हटा दिया जाए तो सब लोगों के लिए रास्ते में निकलने में सहूलियत हो जाएगी। तो पत्नी से उसने कहा, पत्नी ने उसका साथ दिया और उसने दोनों ने मिलकर के वहां पर उसको थोड़ा सा किया, देखा तो उसके अंदर उनके लिए सिक्के मिल गए, 10 रुपए लेकर के जा रहे थे और उनके अब कहना चाहिए 100 से ऊपर हो गए। अब इतना जब पैसा मिल जाएगा तो उसमें फिर सामग्री तो और सुपर क्लास की हो जाएगी। तो वो वहां से सामग्री लेकर के जब घर पहुंचे तो बड़ा भाई देखता है कि अरे भैया ये तो हम सोच रहे थे कि ये तो हमारा ही सारा खाता है, कुछ करता नहीं है, लेकिन इसका तो भाग्य और अच्छा है। फिर चौथे दिन जाकर के जहां पर रुकना हुआ, चौथे भाई के लिए दिए गए 10 रुपए, और वो 10 रुपए लेकर के जब बाजार में पहुंचा तो वहीं पर उसको जिनालय दिख गया। इनको जानकारी नहीं थी कि इस गांव में जिनालय भी है, जिन गांव के बाहर रुके हुए थे, और वहां पर उसने जैसे ही जिनालय देखा तो उस समय में बड़े हर्ष के, बहुत दिनों के बाद में दर्शन हुए हैं तो बड़े हर्षित होकर के वो जिनालय में प्रवेश करके वो भगवान की आराधना करने लगा, पूजा स्तोत्र आदि पढ़ने लगा, और उसमें इतना तल्लीन हो गया कि जिस काम के लिए निकला है वो सब भूल गया। वहां पर अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के लिए उलाने मिलते हैं, तुम तो जो है मंदिर में बैठे रहा करो, महाराजों के पास ही में जो है वहीं पर एक को रख लो और वहीं पर सो जाया करो, आते काय को घर पे। तो ऐसी जो लाने देने वाली बातें होती हैं, तो उस समय में ऐसे जो है लोगों के लिए जो भक्ति में लीन हो गए, तो वहां पर वो इतना जो है लीन हो गया कि बिल्कुल समय का ख्याल नहीं रखा उसने। और उस समय में वहां पर जो दिव्य शक्तियां रहती हैं उन्होंने कहा कि यदि ये नहीं जाएगा तो लोग जो है धर्म पर जो है कई लोगों का सिद्धांत उठ सकता है, घर वाले वहां पर सब बच्चे वगैरह भूखे हैं और ये तो जो है यहाँ से टस से मस नहीं हो रहा है। तो उसने जो है दिव्य रूप से वहां पर सारी सामग्री इकट्ठी करके और एक बैलगाड़ी में अच्छी और ऐसे के पूरे गांव को ही खिला दे ऐसी सामग्री वहां पर, दिव्य सामग्री, और वहां पर पहुंचा दी। अब बड़ा भाई जो है देख करके सोचता है कि भैया मैं तो जो है गलत फालतू में ऐसा सोचता था कि मेरे ही भाग का सब खाते हैं, इन सब लोगों के भाग को देखता है, देख करके ऐसा लगता है कि हम सबसे बढ़ करके इनके भाग के। तो कर्तृत्व बुद्धि से वहां पर अब जब लौट करके तीर्थ यात्रा पूर्ण होकर के आते हैं, पिताजी बुलाते हैं, बेटा तुम कुछ उस समय बोल रहे थे, तो कहते नहीं पिताजी वो तो कुछ बात नहीं, वो सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम सब लोग जो है एक साथ रहेंगे और मिलकर के संगठन में शक्ति होती है, ऐसी बातें कहकर के उसने अपनी बात को रफा दफा कर दिया। तो ऐसी कर्तृत्व बुद्धि जो होती है वो इस प्रकार के विघटन की बात सोचती है, लेकिन जो कर्तृत्व बुद्धि से रहित होते हैं वो किस प्रकार से सुखी रहते हैं। एक कर्तृत्व बुद्धि में एक कर्तृत्व बुद्धि से जो मुक्ति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, वैसे उसमें कर्तृत्व बुद्धि जैसी दृष्टि नहीं, लेकिन फिर भी एक गायिका हुई है मेरी एंडरसन करके नाम की, और वो जो है बहुत अच्छा गायन था उनका, लेकिन कभी भी कि मैंने गाया ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं करती थी। हम गाते हैं तो लोगों ने पूछा कि आप हम क्यों बोलते हैं, मैं आप अकेली हैं, कोई जैसे दो बहनें हो तो बोलें कि भाई हम गाते हैं, अब आप अकेली हैं और फिर भी आप बोलती हैं कि हम गाते हैं। तो उस समय मैं कहती कि मैं गाती हूँ लेकिन लिखा किसी और का होता है, मेरा तो लिखा हुआ है नहीं है।
तो उसका भी जो है कुछ रोल है कि नहीं है उसमें, तो वो भी हो गया। चलो ठीक है, कुछ गीत मैंने लिख गाते गाते हमने भी लिखना चालू कर दिया, तो हम लिखते हैं लेकिन संगीत भी तो कोई देता है। फिर ये भी चलो ठीक है कि हम संगीत सीख लेंगे, हम पियानो बजाने लगेंगे, लेकिन वो पियानो भी तो किसी कंपनी का आएगा, उसका भी तो कुछ काम रहेगा। और चलो ठीक है, हम पियानो भी हम बना लेते हैं, तो वो लकड़ी तो काम में आएगी, वो लकड़ी पेड़ की, हमारा कहाँ रहा उसमें, अकेला हमारा कहाँ रहा, मेरा कहाँ रहा उसमें, हमका सबका मिल करके हो गया। फिर उसके बाद मैं कहा कि चलो ठीक है, लकड़ी कभी छोड़ दो अपन, और हम बिना संगीत के ही अपनी गले से ही गाएं, तो ये गले के तंतु तो हमारा साथ दे रहे हैं, तो ये तंतु भी जो है दूसरी चीज है, हम कोई और हैं, कहते भी अपन है कि ये हमारा शरीर है, मेरा और मैं में अंतर होता है, तो इस प्रकार से वो शरीर भी अलग है, तो वो भी हमारा साथ दे रहा है, तो हम अकेले हमने कहाँ किया, हमारा साथ देने वाले लोग हैं, इसलिए हम का प्रयोग करते। तो ऐसी कर्तृत्व बुद्धि से, जहाँ पर व्यक्ति केवल मैं करने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, ऐसी जो भावना रहती है वो कर्तृत्व बुद्धि में रहती है, और कर्तृत्व बुद्धि से मुक्ति में सबको लेकर के चलने वाली भावना होती है वो कर्तृत्व बुद्धि से मुक्ति। तो ये भगवान के उपदेशों के माध्यम से जो प्राप्त हुआ है उसके अनुसार चलने वाले के लिए सुख की प्राप्ति होती है, और जो नहीं चलते हैं उनके लिए दुख की प्राप्ति होती है। उसमें लिखा क्या है कि नरक निबोध आदि की भी प्राप्ति होती है, और उसमें क्या लिखा, सुख में चक्रवर्ती सौधर्मेंद्र आदि पद की प्राप्ति होती है, जिसमें जो धर्म के विरुद्ध जो चक्रवर्ती नरक गया उसका नाम कौन सा है, सुभोम चक्रवर्ती, और दूसरा जो है ब्रह्मदत्त। तो सुभोम चक्रवर्ती की आप लोगों ने कथा सुनी होगी, उसको थोड़ा सा याद करते हैं। सुभोम चक्रवर्ती से एक व्यक्ति आकर के कहता है कि हम बहुत अच्छे दिव्य फल लेकर के आए, और जब उन फलों के लिए चक्रवर्ती खाता है तो कहता है आज तक हमने जिंदगी में ऐसे फल नहीं खाए, कहाँ मिलते हैं, और ऐसे फल हमने खाए नहीं है, तो ऐसे फल और भी ला सकते हो क्या? तो कहले हाँ, जब कभी मैं फिर आऊंगा तो फिर लेकर के आ जाऊंगा। और वो ऐसे करते करते दो तीन बार जो है जब भी आता फल लेकर के आता, और उसके लिए चक्रवर्ती बड़ा सम्मान करते। एक दिन वो जो अब आया तो फल लेकर के नहीं आया। उस समय चक्रवर्ती ने पूछा कि आज तुम खाली हाथ कैसे आ गए? तो उसने कहा कि हम जहाँ से फल लेकर के आए थे, उसने कहा कि तुम हमेशा यहाँ से फल लेकर के जाते हो, कभी चक्रवर्ती को भी यहाँ पर लेकर के आओ, तो यदि आपको फल खाना हो तो आप चलो। तो उस समय में उसने कहा कि फल की इतनी जो है उसको आदत पड़ चुकी थी कि उस समय कहने लगा कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो जब वो चलने के लिए तैयार हुआ तो चक्रवर्ती की जो पूरे रत्न आदि रहते हैं वहां पर कहते हैं कि आपके लिए शोभा नहीं देता, अनजान व्यक्ति के ऊपर विश्वास करके, अनजान कहाँ रहा, आप तो बहुत दिनों से आता है, ये तुम्हारा परिचित हो गया। कहे नहीं नहीं फिर भी अपने को विश्वास नहीं करनी थी, कहती है कि ऐसे व्यक्ति पर, अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं परिचित है, हम तो जाएंगे। ठीक है आप जा रहे हो तो हम सब लोग आपके साथ चल रहे हैं। सब साथ साथ में चलने लगे तो वो कहने लगा कि आपको अकेले आमंत्रण दिया है। तो चक्रवर्ती कहने लगे कि चक्रवर्ती के अकेले जाता है, साथ तो सारा लश्कर चलता है। तो कहले नहीं, वो तो उन्होंने बोला है कि अकेले आए तो लेकर के आना, यदि आपको नहीं खाना है नहीं चलना है तो जबरदस्ती नहीं है, आप रुको आराम से। अब उस फलों की इतनी आदत पड़ गई थी, उसको एडिक्ट हो गया था उसकी, कि उस समय में चक्रवर्ती ने सबको कह दिया कि मैं अकेला जाऊंगा। और जब वो अकेला जाने लगा तो वो उसको ले गया नदी के तट तक, और फिर नाव में बिठाल करके और वो आगे आगे उसको ले गया। जब जैसे ही यहाँ से चक्रवर्ती गए और उनकी चक्ररत्न गायब हो गया और निधियाँ और सब चीज़ें जो उनकी उठ उठ के जाने लगी, तो परिवार के जो परिजन थे पुत्र वगैरह समझ गए कि अब इनका वापस आना संभव है। और वो जो जब बहुत
ऐसी जगह पर ले गया जहां पर पानी पानी दिखा रहा, समुद्र जैसी स्थिति बन गई। तो दृश्य को देखते हुए चक्रवर्ती वहां पर बड़े हर्षित हो रहे थे और पीछे जो चला रहा था वो अट्टहास करता है, अट्टहास है ना, बहुत तेज तेज हंसता है। तो उसको बिना देखे ही चक्रवर्ती बोलते हैं कि क्यों भाई क्यों हंस रहे हो? तो वो कहता है जरा पीछे तो देखो। वो जैसे ही चक्रवर्ती पीछे मुड़ करके देखता है तो वहां पर वो जो लेकर के आया था वो नहीं दिखाई देता, कोई दूसरा व्यक्ति बैठा दिखाई देता है। अरे तुम तो हमारे पहले रसोइये थे, तुम यहां पे कैसे? तो कहने हाँ मैं ही रसोइया हूं, मैंने ही एक दिन आपके लिए एक रसायना नाम की कड़ी आपके लिए गरम गरम परोसी थी, बड़े उससे मैंने उत्साह से बनाई थी, और आपको जब ज्यादा गर्म लगी तो आपने उसको मेरे ऊपर उछाल दिया और उससे मेरा पूरा शरीर झुलस गया, और साथ ही साथ में उस पात्र को भी आपने मेरे ऊपर उछाल दिया तो उससे मेरे सिर में चोट लगने से और मेरा वहीं पर मरण हो गया। तो उस समय में वो कहता है कि मैं आज बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आया। और उस समय चक्रवर्ती के पास में काफी बल होता है, देखा था अपने बलों की तुलना में, लेकिन उनसे ज्यादा देवों के पास में बल होता है। और वो चक्रवर्ती के पास में आकर के एक हाथ में उनके मुकुट आदि को गिरा देता है। चक्रवर्ती भयभीत हो जाता है कि इसके पास में ऐसी शक्ति। और उस समय में वो चक्रवर्ती के लिए मारने का प्रयास करता है, लेकिन समझ जाता है कि अभी इनका पुण्य है, अभी ये मरण को प्राप्त नहीं हो। तो उस समय में उनसे कहता है कि यदि तुम बचना चाहते हो तुम्हारे लिए एक रास्ता है। चक्रवर्ती सोचता है क्या रास्ता है, क्या पूछता है, कहता है नमोकार मंत्र को पानी के ऊपर लिखो और उसके ऊपर अपने पैरों को रख दो। तो वो समझता है कि ये तो पूरा यहाँ पे जो कहा गया है विमुख कार्य है, भगवान से बिल्कुल विपरीत कार्य है, मना कर देता है। तो उस समय में चक्रवर्ती की जटाएं पकड़ करके, बालों को पकड़ करके, और वो देव था वो तो देव जो है उसको उठा लेता है ऊपर और उसको जो है पानी में डुबो देता है। जब चक्रवर्ती वहां पर डूबने से लगते हैं तो उस समय चिल्लाते बचाओ बचाओ, तो उनको बाहर निकाल लेता है। फिर बोलते हैं, फिर वो जो है मना करते हैं, फिर इस प्रकार से जो कहते हैं थर्ड डिग्री टॉर्चर, ऐसा जो है टॉर्चर दे दे करके, और चक्रवर्ती उस समय में अपनी आयु के लिए उस कार्य घृणित कार्य के लिए भी तैयार हो जाता है। और जब वो उनके पुण्य को क्षय कर देता है तो उनको मार करके सप्तम नरक की दिशा में भेज देता है। तो यहाँ इस काव्य में कि जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं या जो भगवान आपके सम्मुख होते हैं वो भक्ति से सुख को प्राप्त करते हैं, और जो विमुख होते हैं वो स्वभाव से ही दुख को प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान आप दोनों के लिए आदर्श एवं यानी दर्पण के समान अवदात द्युति जो कि निर्मल द्युति वाले एक रूप अवभासी एक रूप में शोभायमान होते हैं। स्वयं ही दर्पण को देख करके अपने आप को जो है सुधार सकते हैं और दर्पण को पीट देख करके अपने आप को वहां पर कलंक से भी युक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है दोनों के प्रति समान रूप से एक रूप से निर्मल द्युति वाले शोभायमान होते हैं। तो ऐसे भगवान के स्वरूप का कि जो भगवान को निहारता है, अपनी भगवान आत्मा को निहारता है, अपनी भगवान आत्मा पर विश्वास करता है, वो सुख को प्राप्त करता है। और जो बाहर बाहर घूमता रहता है यानी कभी भी अपने आत्म तत्व की ओर दृष्टि नहीं डालता है, वो संसार में ही परिभ्रमण करता रहता है। ऐसा इस काव्य का भाव है। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला भव विष का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला
सुख पाते हैं सुमुख जन, भक्ति से आप जिनवर मिलता है दुख विमुख को, स्वभाव से ही हर पल उज्ज्वल स्वपर प्रकाशक, दर्पण प्रभु निराला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानित, त्वयि स्वभावात् विमुखश्च दुःखम्, सदा वदा तद्व्यतिरेकरूपस्, तयोस्त्वमादर्श इवावभासि, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचने अगर मम हीन रहे, जिन वाणी माता मेरी हम सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता ता, ooh।